वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस मवाना रोड मसूरी मेरठ। तकादा लेकर लौट रहे तेल व्यापारी अमित अग्रवाल को लूटने वाले दो बदमाशों को मेरठ पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। अमित अग्रवाल से 14,90,000 रुपए यूपी मेरठ के हसनपुर चौकी थाना क्षेत्र में लूटे गए थे। सीसीटीवी की जांच पड़ताल के बाद पुलिस बदमाशों के गिरफ्तार तक पहुंची है। लुटेरों के 4 साथी अभी पुलिस पकड़ से दूर हैं। लूट की इस घटना को व्यापारी के नौकर ने ही अपने साथियों की मदद से अंजाम दिलाया था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम सरताज उर्फ पहाड़ी पुत्र रियाजुद्दीन निवासी तारापुरी थाना लिसाड़ी गेट मेरठ है, जबकि एक अन्य गिरफ्तार किए गए बदमाश का नाम शाह फैसल उर्फ छोटे पुत्र आकिल निवासी दक्षिणी खादरवाला थाना कोतवाली जनपद मुजफ्फरनगर है। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। आज पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक क्राइम ने बदमाशों को पीड़ित परिजनों व मीडिया के सामने पेश किया। इस मौके पर अमित अग्रवाल के परिजन ने यह कहा, जिस तरीके से काम हुआ है, ये लूट हुई है, इसमें 100% हमारा खास आदमी होगा, ये हमें वो था, इस पर शक जाहिर नहीं किया था, लेकिन जब पुलिस ने खोला, पुलिस चली, तो ये क्लियर होता चला गया कि ये हमें तो सिर्फ ये है कि अपने पैसे से मतलब है कि हमारा जो लूटा है पैसा, हमें वो पैसा मिले। वहीं पुलिस अधीक्षक क्राइम ने यह जानकारी दी, ये 26/7 को थाना भावनपुर क्षेत्र में घटना हुई थी, जिसमें तेल व्यापारी से 14,90,000 रुपए लूटे गए थे। घटना करने वाले बदमाश दो बाइक पर आए थे और संख्या में 4 बताए गए थे। इस घटना में खुलासे के लिए क्राइम ब्रांच की टीम ने, जो स्वाट टीम है, उन्होंने काम किया। सीसीटीवी फुटेज देखी गई, बाकी अन्य प्रयास किए गए मुखबिरों के माध्यम से, तो ये प्रकाश में आया कि एक गैंग जो कि ऑपरेट करता है यहाँ मेरठ में, मुजफ्फरनगर सहारनपुर एरिया में, उसको इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया, ट्रैक किया। एक चीज़ इससे निकल के आया कि एक सरताज और पहाड़ी जो नौकर है तेल व्यापारी का, उसने घटना कराई थी अपने रिश्तेदार शाहिद के साथ, उसने रैकी की थी, और एक इसमें एक अन्य है शहजाद, ये भी उसके साथ मिलके रैकी की गई। फिर शाहिद ने अपने साथियों के साथ में, जो एक शाह फैसल जो गिरफ्तार हुआ है उसके साथ में, और दो अन्य शोएब उर्फ बुलेट और एक उसका साथी, इन चार लोगों ने दो मोटरसाइकिल, एक सफ़ेद रंग की अपाचे और ब्लैक कलर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से घटना करी थी। आज हमने इसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया है, एक तो घटना कराने वाला जिसने मुखबिरी की थी, सरताज उर्फ पहाड़ी, और दूसरा शाह फैजल। ये शाह फैजल पहले भी एक मुकदमा, एक चर्चित मुकदमा रहा था, उसमें 2015 में एक इसने जीआरपी मुजफ्फरनगर वहाँ पर एक कस्टडी में एक बदमाश को मारा था, आशिफ जायदा उसका नाम था, और ये इनका अच्छा खासा क्रिमिनल हिस्ट्री है शाह फैसल की, शाहिद की, इसके बारे में इन लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य मास्टरमाइंड यदि कहें तो शाहिद ही है, शाहिद और सरताज पहाड़ी, जिसने रैकी कराई थी, इन लोगों ने प्लान किया, शाहिद ने अपने साथियों के साथ मिलकर ये घटना कारित की है। पुलिस के मुताबिक इस घटना में शाहिद पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम सरवट मुजफ्फरनगर, शहजाद पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम सरवट मुजफ्फरनगर, शोएब उप बुलेट निवासी लिसाड़ी गेट मेरठ व एक अन्य शामिल रहा है। ये सभी फरार हैं, इनकी तलाश की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।